एसपीजी के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कहा कि इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है, सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। गृह मंत्रालय का एक बहुत ही निर्धारित पैटर्न है और एक प्रोटोकॉल है, ये एक राजनेता की तरफ से नहीं किया जाता है, ये गृह मंत्रालय की तरफ से किया जाता है और खतरे की धारणा के मुताबिक सुरक्षा दी जाती है और वापस ले भी ली जाती है। तो एसपीजी के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कहा कि इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है, क्योंकि आनंद शर्मा ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि पक्षपातपूर्ण और राजनीति से परे सुरक्षा होनी चाहिए। तो जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि एसपीजी के मुद्दे पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। तो गृह मंत्रालय सुरक्षा पर फैसला लेता है, जब सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा दी जाती है और फिर ले ली जाती है। तो एसपीजी के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कहा कि इसमें कुछ भी राजनीति नहीं। तो बता दें कि राज्यसभा में आज कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की तरफ से गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने का मामला उठाया गया, जिस पर जेपी नड्डा ने कहा कि इसमें कुछ भी राजनीति नहीं है, सरकार कभी भी राष्ट्रहित से समझौता नहीं करेगी। तो गृह मंत्रालय सुरक्षा पर फैसला लेता है। तो एसपीजी के मुद्दे पर बोलते हुए जेपी नड्डा ने तमाम बातें कही। तो वही आपको बता दें कि आनंद शर्मा की तरफ से इस मुद्दे को उठाते हुए कहा गया कि हमारे नेताओं की सुरक्षा पक्षपातपूर्ण और राजनीति से परे हो, जिस पर जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी राजनीति नहीं है और गृह मंत्रालय सुरक्षा पर फैसला लेता है और जिन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है उन्हें सुरक्षा दी जाती है और फिर वापस ले ली जाती है। तो इसमें कुछ भी राजनीति नहीं है, खतरे की धारणा के मुताबिक ही सुरक्षा दी जाती है और वापस ले ली जाती है।